हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यहाँ पे और एक भर्ती निकल के आ रहा है, जो वैकेंसी निकल के आ रहा है वो पावर ग्रिड के तरफ से। पावर ग्रिड एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर नौकरी लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा, सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। पूरा डिटेल्स में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, वो सारे जानकारी दूंगा। कैसे आपको अप्लाई करना है उसका स्टेप बाय स्टेप एक अलग सा वीडियो भी बना दूंगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट में और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, वहाँ पर मैं आप लोग को कुछ अपडेट देने वाला हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से या एडवर्टाइजमेंट में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कई सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आपको इसरो, DRDO, ONGC, IOCL, बहुत सारा टेक्निकल जॉब के रिगार्डिंग हर पल का अपडेट मैं देता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पावर ग्रिड में, जो वैकेंसी निकल के आया है ये दोस्तों देख सकते हो। ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। उधर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो वैकेंसी निकल के आ रहा है नॉर्दर्न रीजन के तरफ से, ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल है। तो दोस्तों, दो पोस्ट के लिए है, मतलब दो कैटेगरी पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का 30 वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल का जो है वो 5 वैकेंसी रखा गया है। जिसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट, और मिनिमम जो है 70% मार्क आपके पास होना चाहिए। रेगुलर 3 ईयर बोल रहा है। आप अगर लेटरल एंट्री कर रहे हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। 2 ईयर का होता है, वो भी रेगुलर में ही जाता है, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, एज लिमिट के बात करेंगे तो 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए 30 ईयर और 32 ईयर SC ST कैंडिडेट के लिए। इसी हिसाब में ये दोनों का एज लिमिट सेम है दोस्तों। दोस्तों, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपकी रिटन टेस्ट लिया जाएगा, CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जो रिटन टेस्ट होने वाला है यहाँ पे दोस्तों, आपकी 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पार्ट में होगा। जो आपकी 120 क्वेश्चन रहेगा, आपकी टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपकी 50 क्वेश्चन रहेगा, जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव भी मार्किंग होगा, 1/4 में आपकी नेगेटिव रहेगा। उसके बाद अगर रिटन टेस्ट क्लियर कर रहे हो तो आपको उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा दोस्तों। रिटन टेस्ट के पास और भी कोई भी टेस्ट नहीं है, आपकी जो रिटन टेस्ट उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। जो टेस्ट सेंटर है, दिल्ली रखा गया है, जयपुर रखा गया है और देहरादून रखा गया है, 3 टेस्ट सेंटर है। सैलरी के बात करेंगे तो आपकी 25,000 करीब प्लस PM आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी कुछ साल के लिए जॉब का बॉन्ड रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को जो बोला जा रहा है ना कि आपको कुछ साल के लिए आप अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा, तो ये है इसका बॉन्ड। एप्लीकेशन फ़ी के बात करेंगे तो 300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ओनली फॉर ऑन रिजर्व और OBC EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फ्री, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, आगे जाके मैं आप लोग को अप्लाई करके दिखा दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल्स। कोई भी डाउट हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।